हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको केराटिन स्टेप बाई स्टेप करने का इजीली तरीका बताऊंगी। ये देखिए, मैंने बालों को धोकर इसको सुखा लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने पहले ही बालों को धोकर सुखा लिया। और ये देखिए, हम बालों को दो सेक्शनों में डिवाइड करेंगे। ये जो मेरे कस्टमर हैं, इनके बाल बहुत ही ज़्यादा डल और फीजी थे, और मैंने इनके बालों पर प्रो टच की केराटिन जो है की है। देखिए, मैंने दो सेक्शनों में इनको डिवाइड कर लिया है। अब हम केराटिन जो है करनी स्टार्ट करेंगे। तो हम केराटिन करने से पहले हाथों में ग्लव्स लगाएंगे, क्योंकि जो केराटिन होती है वो स्किन पर लगती है, हाथ जलते हैं। ये देखिए, मैंने अप्लाई कर दी क्रीम। हमने रूट्स लेकर नीचे तक जो क्रीम है इनको अप्लाई करना है और अच्छे से बालों को मसाज देनी है, मशीस करना है बालों को। ये देखिए, हमने ऐसे ही सेक्शन वाइज सेक्शन लेकर जो क्रीम है अपने केराटिन की क्रीम है जो हमने अप्लाई करनी है। ये देखिए, इसी तरह हमने सभी बालों पर ऐसे ही थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर बालों में क्रीम जो है अप्लाई कर लेनी है। इसी तरह हम सभी बालों पर अच्छी तरह से जो क्रीम है अप्लाई कर देंगे और इसको हम 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे तरह से क्रीम जो है अप्लाई करी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको ऐसे ही 30 मिनट तक छोड़ देंगे। तीस मिनट के बाद हमने इनको पहले बालों को कोल्ड ड्राई करना है, फिर इसके बाद हॉट ड्राई करना है। आपने पहले कोल्ड ड्राई ही करना है बालों को, बाद में हॉट ड्राई करना है। देखिए, मैंने बालों को अच्छी तरह से सुखा लिया है। पहले मैंने कोल्ड ड्राई की, फिर मैंने हॉट ड्राई की। अब हम इसके बाद करेंगे प्रेसिंग। छोटे छोटे सेक्शन लेकर हम इसको प्रेसिंग करेंगे अच्छी तरह से। जो आपने है एक दो बार प्रेसिंग करनी है इनकी, ऐसे देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेसिंग कर दी है और जो देखिए हमारा फाइनल रिज़ल्ट, ये देखिए इनके बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शाइनिंग हो गए थे। ये देखिए, आप रिज़ल्ट खुद देख सकते हो इनके बाल कैसे थे और कैसे हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।